हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस पेपर तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास एन इंटीग्रल फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डीवाई अपॉन डीएक्स इक्वल टू 2xy² प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 2y³ इज। फ्रेंड्स, इंटीग्रेटिव फैक्टर की हमने कुछ फॉर्म पढ़ी थी, अगर आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो वहां पे मैंने सभी को बताया था कि किस फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसकी फॉर्म थी कुछ स्पेशल, और तब उनके इंटीग्रल फैक्टर किस तरह से निकालते हैं। अब इसको हम उन्हीं फॉर्म में से किसी में बनाने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे पास सॉल्यूशन dy अपॉन dx इक्वल टू 2xy² प्लस y अपॉन x माइनस 2y³। तो फिर इसको लिख सकते हैं हम, अगर dy को इधर ले जाए और dx को, सॉरी dy को इधर ले जाए और dx को इधर ले जाए, तो इधर x माइनस 2y³ dx, सॉरी 2x माइनस 2y³ dy इक्वल टू 2xy² प्लस y dx। अब ये हो गया हमारे पास, तो यहां से हम इसको अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं हम x dy माइनस 2y³ dy, इस टर्म को भी इधर ला रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा माइनस 2xy² dx प्लस y dx इक्वल टू 0, माइनस आएगा। ये हो गया हमारे पास जब इस टर्म को हम इधर ले आए। तो फिर से अगर हम इस टर्म को देखें x dy और यहां से y dx, तो ये हो गया x dy माइनस y dx, और इस टर्म को देखें इस टर्म को तो इस टर्म में से अगर हम कॉमन ले लें माइनस एक्स वाई, फिलहाल तो हम अगर कॉमन ना लें तो अभी हम देख सकते हैं माइनस 2y³ dy माइनस 2xy² dx इक्वल टू 0। अब फिर ये टर्म है हमारे पास, अगर हम इस टर्म को देखें तो यहीं से हम अगर सोल्यूशन से निकालना चाहें तो सोल्यूशन निकालने के लिए हम यहां से चेक कर सकते हैं कि कौन से नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पे, इनमें से ऑप्शंस में से अगर चेक करना चाहें तो कौन सा ऑप्शन है जिसका इसमें मल्टीप्लाई करने पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन डायरेक्टली निकल जाता है। पर अगर अब हम चेक करते हैं 1/y² अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1/y² आ जाएगा, और यहाँ पे ये y³ की जगह सिर्फ y रह जाएगा और यहाँ से y² हट जाएगा। तो अब देखें तो ये तो डी एक्स अपॉन वाई हो गया माइनस टू, सॉरी अगर देखें ये हो गया डी एक्स अपॉन वाई माइनस टू डी वाई माइनस टू डी एक्स इक्वल टू 0। यानी अब इंटीग्रेशन कर दे तो एक्स इंटीग्रेशन करने पे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स अपॉन वाई माइनस टू वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से मैं डायरेक्टली पता चल गया 1/y² को मल्टीप्लाई करने पे इसका सॉल्यूशन आ रहा है, तो 1/y² जो है इसका इंटीग्रल फैक्टर है। फ्रेंड्स, ये